थ्रेसर की सेटिंग करूंगा, ऐसी थ्रेसर की सेटिंग करूंगा, इधर से सोयाबीन डालो और उधर से सोना निकालो है। किसी को अगर भूत बनना हो तो हमसे संपर्क करें, सस्ते दामों में हम आपको भूत बना सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल में। और आज हम थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग आ चुके हैं, सुबह 7 बज रहे हैं, क्योंकि कल हम थोड़ा जल्दी चले गए थे, जो कि वीडियो में आपको अपडेट में मिल ही जाएगा। तो वो इसलिए ही हमने सोचा कि आज सुबह जल्दी आ जाते हैं तो हमारी जो सोयाबीन है उसका निकालने का कार्यक्रम हमारा चालू हो जाएगा। हल्की सी ओस से दिक्कत तो है, पर उतना ही फ़ायदा भी है कि जल्दी जल्दी हमारी नेट खाली हो जाएगी और हमारा काम जो है वो थोड़ा सा डिले जा रहा है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बीते 4 दिन से 5 छठवा आज 7वां दिन है हमारा थ्रेसिंग का, और काम पेंडिंग होते जा रहे हैं। अब ये खेत पूरा निकलना बाकी है, इसके आगे वाला एक खेत निकलना बाकी है, फिर 2 टुकड़े छोटे छोटे बाकी है, फिर 1-3 एकड़ का हिस्सा बाकी है। तो उनको सबको कंप्लीट करने के लिए थोड़ा एडवांस मेहनत करनी ही पड़ेगी। और अभी सब लोग खेत बना चुके हैं और हम थोड़ा खेत बना नहीं पाए, इस कारण से हम थोड़ा वेट कर रहे हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर लें, फिर उसके बाद प्लाउइंग चालू करेंगे। चने अगर आपको बोना है तो चने में सावधानी यही रखनी है कि आपको प्लाउ करके बोना है, बगैर प्लाउ के बोओगे तो आपको उमाला फिजेरियम बिल्ट जो है वो बहुत लगेगी, और बूढ़ा उमाला जो भी बोला जाता है, जिसको कॉलर रॉड, रूट रॉड जो भी बोलोगे आप, जो या फिर सरकारी नाम ले दो, तो उसका भी असर आपको तेज मिलेगा। तो इस चीज़ों को सावधानी रखते हुए बढ़िया एक ही काम करें कि प्लाउइंग करें। थोड़ा लेट तो जाएगा चना, पर एवरेज निकलना चाहिए अपने लिए, मेन टारगेट वो है, और उसकी सोइंग करवा दें। अभी हमारा भी बस कार्यक्रम अब 2 दिन में चालू हो ही जाएगा, खटाखट काम चालू करेंगे और फिर चने की बोनी करेंगे। तो आज का दिन है 7वां, और चंदन भाई और नितिन भैया दो ही जन कर रहा है सोयाबीन की थ्रेसर की सेटिंग। अभी काई कर रही थी, दाना फेंक रही थी है? तो ये दो ही लगे है भैया। तो चंदन ने तो गणित लगाया कि जे जे पर पानो लग जाए वो ही नट को उच्चो कर दे बस। ये हम लग गो, हाँ एक उच्चो कर ले हमारा है, जो जो धरे हो पे ये खोल दी, देख जे। वीडियो बना रहा तो गुस्सा ली लेकर दे रहा। हाँ अभी तक तो थ्रेसर बगैर ऊपर नीचे करे चल रही थी, हालांकि हम 4 दिन से कह रहा है हमारा नितिन भाई का कि आई जाओ आई जाओ आई जाओ, आप बड़ी मुश्किल से दर्शन दिया 4 दिन में, जब उन करी है सेटिंगों की। आप एक भी दानो तुमको यहाँ दिख जा, सब सीधा काम ही लगा में। अरे नहीं रे भूस में थोड़ी चाहिए, अभी कई भूसमा आएगा। अरे यार भैया भूसमा मत लिया यार, कुंडा में लिया ओकर लिए तो अपन मेहनत कर रहा। ये यार हमारे जो जीजो आसाम से मामलो गड़बड़ करवा गया। भाई साहब भैया बोल दो कि हट जाओ। छोटा पटेल का बुलायो तो उनसे कही कि भैया तलवार कसनू की नहीं, तूने की तो बढ़िया तो चल रही तुम्हारी। हाँ थोड़ा बहुत दाना अगर इतनी बड़ी नुकसान नहीं करेगी, जो डायलॉग बड़ा खतरनाक है, अब इतनी बड़ी मशीन चलेगी और थोड़ा बहुत दाना नहीं फेंकेगी तो फिर मतलब है क्या इतनी बड़ी चलना। अब भैया चंदन भाई डॉन जो है वो लगे हैं थ्रेसर की सेटिंग करने में, ऐसी थ्रेसर की सेटिंग करूंगा, इधर से सोयाबीन डालो और उधर से सोना निकालो है कि इधर से सोयाबीन डालो और उधर भूस में निकालो ऐसी सेटिंग करूंगा। हमारे पास एक बड़ी समस्या आ गई है, समस्या ऐसी आ रही है कि ये जो थ्रेसर है, ये जो सोयाबीन है 11-10, इसको निकालने में बड़ी दिक्कत दे रहा है। या तो इसका दाना हल्का होने की वजह से, या फिर ग्रेन साइज छोटा होने की वजह से, तेज रेस पे चलाओ तो
थ्रेसर जो है दाना उठाती है और कम रेस पे चलाओ तो रुएं वाली फली के कारण पूरा फिल्टर चोक हो जाता है। तो अभी तक हमें कुछ समझ ही नहीं आ पा रहा है कि हम क्या करें। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चोक कर रही है। ये देखो पूरा चोक है। रोक लो जरा, रोक लीजिए है। आगे से बिल्कुल भी दाने नहीं गिर रहे हैं, सब दाने यहीं से गिर रहे हैं। गोपाल भैया ये लाट खत्म होने के बाद बंद कर दो ऐसा अभी। ये देखो भैया ये दाना आना चालू हो गया और ये इधर से भी चोक रही है। फीडर खाली है मतलब बकेट, ये प्रॉब्लम कर रही है ये। तो अभी मेरा ऐसा मन हो रहा है कि ये चलना खोल के बड़ा चलना इस पर डाल दे। मत डालो बाहर करो। ओके बंद कर दो। अभी इसमें बड़ा चलना डाल के देखेंगे। वो नट भी ढीलो करके देख जे, वो फसल तो नहीं है कि ढीले ही है। ले ऐसे छोटे चलना नहीं था, यो ही एक ही चलना था। तो थारो खून कल तो वो में लग गई थी, ये दो जंगली काई में लग गई। हाँ तो उसमें क्यों उंगली डालन गए तो कुड़न फटकने में होगा। इधर ओका इतनी चलनी में उनमें ढाक दी कि एक जो आई तो रहा बहुत से गड़ गई। मखत लगी तू बनान लग गो वा लला कर लिया होगा। अरे वो फिर सटक जा रहा है देख रहा है मेरे दादी पिंचेस जी लेंगे ना पिंचेस के साथ में उठा दिया उधर का नेट है कि गई सबका यार ना इससे नहीं होती। एक नेट और मिल जाए तो मजा आएगा। जब बस खाली हो जाएगी तो आठ नाम नेट मां हो गया फिर भी सात तो वो मैं भी चाहिए थी उनने तो उनका इतनी ज्यादा बिछाना क्यों देते नेट जरा कम दे तो आठ तो यहाँ से सात यहाँ से गया आठ तो नेट बिछा तो डंकू और हम दो ही गांजे। अरे डंकू की तो बात ही अलग है रे। डंकू का चक्कर नहीं लगा 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 बैलेंस बना के ले जाओ खे दो ही साइड से बराबर। दबाओ तो ओके तो ना खा घुमा दे ओके घुमा ले आसो। हाँ आसो कर लियो अब ले जाओ। चलो बाप रे लगा मटका का नहीं डॉलर को डॉलर और ना इनके लिए मोड़ा है। हाँ लगा दो ही साइड से एक जैसे यार सही में यार तुम तो बांगा ही है रे। वैसे क्या हमारा सागे तिरछा लगे है। हाँ तिरछा लगे निकालना में तिरछा है। अभी भी दो ही बराबर ले जा नहीं रहा ही। ऊपर चढ़ाओ या कालर फंस रही कालर फंस रही। उठा के थोड़ा सा अब देखा 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 इधर तो हुई गई देखा और कितनी पहुंच गए। चलो नट कहां है एकदम ओके ठोक दे थोड़ा सा कुड़ेल से फिट बढ़ जाओ। नेट तुम्हारे पास ही
वाइशर साथ में लगा दिया। गलत जगह जीरो, ऐसा नुकसान हुआ, वो छोटा चलना था उसमें इतने दाने इसने फेंके, ये सब करवाने पड़ेंगे आखिर। मीटरिंग चालू हो गई है फिर से। कहाँ का मान भगवान ने बोल दी थी चलना बदलना की, चलना बदलना की लग उतर गया। कल कम से कम 6-7 लोग आया था, जितना भी था वीडियो बता, तब ये वीडियो बता ले, जितना भी था सब बेवकूफ था, एक से एक सलाह देने वाला। सही कैसे जाली खुलेगी बता, इतना बड़ी जाली हो तो पूरा कचरो उधर जाएगा, सोयाबीन कहीं जाएगी है, वो निकल जाएगी पूरी, वो उधर से आसानो पड़ा और इसी चीज इधर मैं बताऊं तुमको तरीको। एक सब्बल ले खाओ, सब्बल लाजे भैया, नट खोल दिया, नट खुले ले, एक घुमा वो छड़ी का वो पड़ेल था ने सब्बल वो ओका चीपो सही ये कोना से चीपो एक। नदी बहने के बाद जो नुकसान हुआ वो थ्रेसर से अभी निकाल रहे हैं, तो उसके हाल भी इतने बुरे हैं, ये पूरी मट्टी में लौथी हुई है, ये देखो दिख रही है ये, और इसमें अभी दाने वाने तो नहीं है पर फसल है इसलिए उसको निकाल रहे, नीचे से धुआं देखो आप, पूरा मट्टी लोथी होने के कारण से ऐसा धुआं उगल रही है थ्रेसर, क्या करें आप। किसी को अगर भूत बनना हो तो हमसे संपर्क करें, सस्ते दामों में हम आपको भूत बना सकते हैं, क्योंकि जो मिट्टी कपा जो निकल के गया है नदी का, उसके आगे आपको बस 10 मिनट ठंडा होगा और भूत बनने की रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी। जल्दी से जल्दी संपर्क करें, अभी 2 ढेर इसके निकलना बाकी है, ये वाली सोयाबीन के, तो अगर कोई इच्छुक हो तो हमारे ग्राम नहाली में आए, हम उसे भूत बना कर ही भेजेंगे। आपका प्रिय मित्र श्री लखन सिंह जी राजपूत, ग्राम नहाली, तहसील सिराली, जिला हरदा और मध्य प्रदेश। क्या तो भूसा उड़ रहा है जिसके साथ मट्टी उड़ रही है, ये नेचुरल पाउडर लगेगा उसको, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। इस प्रकार का धुआं निकल रहा है, कैमरे में तो उतना आ नहीं रहा, लेकिन अगर रियल में आदमी देख ले तो मतलब अल्टीमेट। अभी मैं आपको चेहरा दिखाता हूँ, है रुको, के दिन लेबर नहीं होने के कारण हमारे श्री चंदन सिंह जी जो है वो थ्रेसर चला रहे हैं, साथ में उन्हें साथ दे रहे हैं श्री राम सिंह जी पटेल, और इधर है गोपाल भैया, उधर है रंपा भैया और आनंद। इस प्रकार हमारी थ्रेसर चल रही है जिसके बहुत सारे गणित ज्ञान अभी तक हमें पता नहीं चल रहा है। आज था बाजार और बाजार के कारण हमारी लेबर ने छुट्टी मांग ली, अब फिर वो मांग लेते हैं तो फिर देना ही पड़ता है, क्या करो, सबके अपने अपने जीव होते हैं। ये लो थ्रेसर फंसी, मजा ली रहा कि थ्रेसर चला ही रहा।